तो नमस्ते भाई लोग। तो आप लोग उम्मीद अच्छा होंगे। तो भाई मेरे बारे में कुछ आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मतलब दिल से बुरा लगता है तो कोई मेरे को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आप लोग मेरे को नहीं जानते होंगे, ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना ही कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो आप ना ही मेरा कोई फेस वैल्यू है, जो मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, मतलब काम करते हैं यूट्यूब में, जो आप लोग मेरे को जानते होंगे, वीडियो देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को वीडियो तो बनाना आता नहीं, जैसे भी बनाना है बनाता हूँ, छोड़ देता हूँ, उतना लिखना पढ़ना तो आता नहीं, कभी मैं पढ़ा लिखा नहीं गया। तो मैं कुछ बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है संजय प्रसाद, मैं वेस्ट बंगाल दक्षिणेश्वर का बगल में रहता हूँ। तो मैं गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से बिलोंग रखता हूँ, और मेरा घर पर मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, और मैं सबसे बड़ा, उसके बाद मेरा एक बहन है, उसके बाद मेरा भाई, उसके बाद एक बहन। तो बहन का शादी हो गया, अभी तीन बंदे हम लोग बचा है, तो घर में सबसे बड़ा तो मैं हूँ। तो मैं ज़्यादा पढ़ लिखा नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा जब 14 उम्र था, मैं 6 में पढ़ता था, 6 में उठ के छोड़ दिया हूँ, क्योंकि उतना पैसा नहीं था मेरे को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं भी छोड़ दिया हूँ, पढ़ लिखा नहीं किया हूँ। तो 14 साल की उम्र में मैं काम पकड़ा था, तो पहला काम मेरा था राजमिस्त्री का। तो राजमिस्त्री का मतलब जो घर बड़ी वहाँ, तो वो काम हुआ, तो वो काम मैं करते करते कुछ दिन किया, उसके बाद मेरे को ठीक नहीं लगा, छोड़ दिया। बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब गंदा गंदा आदमी रहता था, गाली गुलज करता था, तो छोड़ दिया। उसके बाद उसको छोड़ के मार्बल का काम किया, तो वो काम में भी वही मतलब नकड़ा था, तो उसको भी मैंने छोड़ दिया, गाली गुलज करता था। तो मैंने छोड़ने के बाद मैंने क्या किया ना, जो वैन में जो ईंट वाली सीमेंट जो ढोलता है, उसका मैं पकड़ा हूँ, तो वो मैं किया हूँ 1 साल। तो वो 1 साल करने के बाद मेरे को लगा ठीक नहीं है, काम ज़्यादा चले, हाथ का काम कोई सीखना चाहिए। तो मैं उसको छोड़ के काठ का काम सीखने गया, कारपेंटर, जो दरवाज़ा डालना बना था, तो उसको भी किया कुछ दिन, उसको भी थोड़ा सा हमारे सीख के उसको भी छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फाइनल मार्बल, उसके बाद किस काम में गया था, उसको रंग का काम के गया था, कलर का काम, तो दीवार विवार जो पेंट करते उसको, तो उसको मतलब 1-2 महीना किया हूँ, तो उसमें इतना मेहनत था, इतना मेहनत, उसको मैं छोड़ दिया बीच में। तो उसके बाद मेरे पिताजी के साथ मैं ट्रक, मतलब ट्रक में गया, तो गाड़ी सीख लिया। नहीं, उसका पहले गैस का काम करता था, तो गैस का काम भी छोड़ दिया, वो किया था बहुत दिन, 3 साल तक गैस का काम किया था। तो मोदी सरकार आने के बाद कुछ घटला वटला हो रहा था, इसलिए मैं वो काम को छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं पिताजी के साथ चल के मैं अपना ट्रक सीख लिया, गाड़ी सीख लिया। तो आप लोग देख सकते हैं वो वाला गाड़ी मैं चलाता हूँ, देखिए पीछे मेरा गाड़ी है, वो वाला गाड़ी मैं चलाता हूँ। अभी 4 साल हो गया मेरा, साल अभी 28 उम्र है मेरा, तो 14 से अभी 28 उम्र में पड़ गया हो, तो इतना साल में इतना सारा काम छोड़ दिया हो, तो अभी फाइनल 4 साल हो गया ट्रक चलाता हूँ। तो मैं बाहर बाहर घूमता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे से फैमिली यूट्यूब में बनाना जाए, मेरा तो फैमिली ऑलरेडी है, तो और एक छोटा छोटा फैमिली बनाना जाए यूट्यूब में। तो आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 1 महीना हो रहा यूट्यूब चैनल खोला हूँ। तो जब भी मैं वीडियो छोड़ता हूँ तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, 50-60 ऐसा व्यूज़ आता है, सो रुक जाता है। तो वीडियो सबके पास जाता है लेकिन कोई देखता नहीं है, ये क्यों नहीं देखता तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे को कुछ खराब भी है वीडियो में, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं लिख नहीं पाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए जो मेरे को क्या गलती है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नया नया आदमी हो, कोई तो सीख के नहीं आता है, मैं नया आदमी आया हूँ तो कुछ भी डाल देता, कुछ भी सीख के नहीं आता है, तो मैं सीखाऊँ थोड़ा थोड़ा, मतलब यूट्यूब देख के, तो वही नॉलेज में कहीं काम करता हूँ, जैसे भी थोड़ा लिख कर, मतलब ठीक से लिखना भी नहीं आता, देखिएगा आप स्पेलिंग में भी गलती हो सकता है मेरा, बोलने पे भी तो गलती होता ही होता है, स्पेलिंग में भी गलती होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, कहाँ पर कुछ गलती है आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आप लोग चैनल को छोड़ के मत जाइए, और जो भी नया आदमी आता है चैनल को, वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो भाई मेरे को इतना ही बस बोलना था, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए जो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और मेरे को वो 4 बंदे के बारे में नहीं सोचना है जो लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, कैसे वीडियो डालता है, कैसा क्या करता है, मेरे को वो आदमी के बारे में सोचना है जो मेरे को फॉलो करता है, जो मेरे को देखता है, मेरा वीडियो रोज़ देखता है। तो मैं रोज़ तो वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, एक दिन बाद वीडियो डालूँगा, तो आप लोग मेरे साथ ही बने रहिए, पूरा जितना वीडियो है भाई मेहनत तो मैं दिल से करूँगा, कभी चैनल छोड़ के नहीं जाऊँगा। वीडियो अगर कोई नहीं देखेगा, मैं अकेला देखूँगा, मैं फिर भी छोड़ूँगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखें वीडियो को, जितना चाहे आगे शेयर कीजिए।